चले, धरती का प्यार बढ़े। धरती हूँ पर तुम तो बहुत खुश लग रही हो। हाँ, क्योंकि मैं शांति, शुद्ध और मासूमियत से बनी हुई हूँ। ये देख लो, 1970 के पशु पक्षियों से मिलो। मिलते हैं। क्या ताजा पानी है तालाब का, मेरा तो उछलने और कूदने का मन करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे साथ जिंद प्लस न्यूज और मैं हूं आपके साथ सोनम। आपको बता दें कि आज सफीदों में गवर्नमेंट स्कूल में हरियाणा कल्चरल फेस्टिवल का जो है प्रोग्राम रखा गया है। जो प्रोग्राम है वो ब्लॉक लेवल पर रखा गया है, जिसमें कि हमारे साथ डीओ साहब वो भी मौजूद हैं। उनसे पूछें कि भी क्या कुछ पूरा प्रोग्राम और किस बेस पर ये प्रोग्राम रखा गया है। हाँ जी सर, नमस्कार। ये हमारा जो है हर वर्ष प्रोग्राम होता है, डिपार्टमेंट का, एजुकेशन डिपार्टमेंट का हमारा प्रोग्राम है ये। और इसमें विशेष बात ये होती है कि भाई सभी बच्चे, पहले ब्लॉक लेवल का होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है और फिर स्टेट लेवल का होता है। और इसमें कैश प्राइज होता है। और विशेषता ये होती है कि भाई इसमें जो है लाइव प्रोग्राम होता है, इसमें पेन ड्राइव वगैरह का इस प्रकार का कोई भी जो है वो प्रतिबंधित है। और इसमें अच्छी खासी जो है एक बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए इनाम की राशि रखी जाती है। इसमें हमारे जो 5 इवेंट हैं, एक के जैसे रागनी का है, म्यूजिक ग्रुप है, स्किट का है, सोलो डांस है, ग्रुप डांस है, 5 इवेंट इसके अंदर हैं, शामिल किए गए हैं। और इसमें हमारा जो पहले ब्लॉक लेवल का होता है, और इसमें भी 2 ग्रुप होते हैं, एक क्लास 5 से 8 तक के छात्र छात्राएं पार्टिसिपेट करते हैं ग्रुप में, और दूसरा ग्रुप हमारा 9 से 12 का ग्रुप होता है। और इसमें जो है विभिन्न स्कूलों की, हमारे जो स्कूल हैं 100 स्कूल हैं सफीदों ब्लॉक में, और उन स्कूलों में से पार्टिसिपेट करते हैं बच्चे। उसमें हमारी कल्चर है उसको बढ़ावा मिलता है, और जो शिक्षा का उद्देश्य है मूल, वो सर्वांगीण विकास है बच्चे का, और ये अदर एक्टिविटी भी उसी का एक हिस्सा है। तो पूरा जो है ये प्रोग्राम अब ब्लॉक स्तर का है। इसमें हमारे जो मुख्य अतिथि थे सुबह ओपनिंग पे, माननीय SDM सत्यवान मान जी थे। उसके बाद हमारे विशिष्ट अतिथि अतिरिक्त निदेशक हिसार मंडल से जो कला परिषद है, महावीर गुड्डू जी, वो विशिष्ट अतिथि थे। और हमारी नगर पालिका जो प्रधान हैं, उनके प्रतिनिधि के रूप में उनके पति संजय अदलखा, वो भी जो है विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। और ये प्रोग्राम मेरी अध्यक्षता में आयोजित हो रहा है। और इसके बाद जो टीमें यहाँ से विजयी होंगी, वो टीमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पार्टिसिपेट करेंगी, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर विजयी होंगी वो स्टेट लेवल का जो कार्यक्रम है उसमें पार्टिसिपेट करेंगी। तो इस प्रकार जो है ये एक हमारी संस्कृति को भी बढ़ावा मिलता है, हरियाणवी संस्कृति को, और इसमें बच्चों को जो है एक प्रतिभा दिखाने का अवसर जो है वो प्रदान किया जाता है। और अवसर के साथ साथ जो है इनको, बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन राशि भी जो है अच्छी खासी इसमें रखी गई है। किसी इवेंट के अंदर जो है 10,000 रुपये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, और यहाँ पर जैसे 5100 रुपये है, 4,000 रुपये है। तो इस प्रकार जो है बहुत सारे जो है इनामों से भी नवाजा जाएगा हमारे जो बेटे बेटियाँ हैं इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। समय सारणी क्या कुछ रखी गई है सर प्रोग्राम की? समय? यस सर। समय तो इसमें हमारे जो मानदंड है उसमें हर एक इवेंट का अलग अलग जो समय है उसमें रूल रेगुलेशंस हैं, भाई कितने समय का होगा, कितने जो है प्रतिभागी होंगे उसके अंदर, वो सारी चीज़ें हमने लेटर जो है विभाग का है वो सभी स्कूलों को भेज दिया गया था। और उसी के अनुरूप भाई किस इवेंट में कितना समय, कितने जो है प्रतिभागी होंगे, वो सारी गाइडलाइन जो है सभी को बता दी गई है मौके पर ही। धन्यवाद सर। थैंक यू। तो आप लोगों ने जाना किस तरह से हरियाणा कल्चर को बढ़ावा देने के लिए ये फेस्टिवल रखा गया है। ये ब्लॉक लेवल पर है। आगे जो भी विद्यार्थी, जिस भी स्कूल के विद्यार्थी विजय होंगे उनको आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर आगे स्टेट लेवल के लिए भेजा जाएगा। और जो जो इनाम है वो भी अच्छा खासा रखा गया है, जिससे बच्चे प्रोत्साहित हो गए, आगे इसमें भाग लेंगे। और जो हरियाणा की कल्चर से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ है, चाहे वो रागनी हो या फिर हरियाणवी सॉन्ग हो, उन पर अलग अलग जो प्रोग्राम है वो लड़कियां और लड़के दे रहे हैं। देखते रहिए हमारे साथ जिंद प्लस न्यूज़। धन्यवाद।